वहीं पंजाब से है डीजीपी पंजाब की दिशा निर्देश धूरी के डीएसपी योगेश शर्मा द्वारा। धूरी में बता दें कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और आसपास के एरिया में रूटीन चेकिंग की जा रही। धूरी सिटी एसएचओ सरदार अमनदीप सिंह अभी पूरी टीम के साथ मौजूद रहे। धूरी सिटी डीएसपी सुरेश शर्मा ने बताया कि रूटीन चेकिंग की जा रही है। धूरी शहर में स्थानीय पुलिस, रेलवे की जीआरपी पुलिस ने संयुक्त रूप से अभियान चलाया है। अभियान में उन्होंने कहा है कि शहर की भीड़भाड़ वाले इलाके, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति, मोटरसाइकिल, कार मिलने पर उसकी जाँच की जाएगी गहनता से। वहीं धूरी शहर को हर तरह से अपराध से बचाया जा सके। प्राइमरी की न्यूज चैनल के लिए जावेद आजम, धूरी पंजाब। सर जेडे है चेकिंग मुहिम चलाई गई है, की मामला की है? ये रूटीन दी चेकिंग है जी। अज रेलवे स्टेशन धूरी विखे असी आरपीएफ लोकल जड़ी रेलवे जीआरपी ते लोकल पुलिस वालों एक चेकिंग अभियान चलाया गया हैगा, जिदे च प्लेटफॉर्म ते पार्किंग एरियाज दे विच तां सस्पिशियस परसनस दी असी चेकिंग वगैरह कर रहे हैगे आ। तो जो भी सानू शकी लगेगा, चाहे वो कोई व्हीकल होएगा जां कोई व्यक्ति होएगा, तो उत्ते बनदा एक्शन लिया जाएगा। कितने कितने चैकिंग की जा रही है जी? हाल असी रेलवे स्टेशन तो स्टार्ट किया है, इस तो बाद बस स्टैंड बाजार के भी प्रॉपर चैकिंग की जाए, भी लोगों को अपील भी करा, जोड़े इनक्रोचमेंट वगैरह कर रहे हैं उन्होंने भी असं अपील करा भी तुम अपना थोड़ा इनू घट करके ट्रैफिक विघन ना पाया जाए। इस तो अलावा शहर च वख-वख थावां दी नाकाबंदी भी की जाएगी।